नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्रीकल्चर पीडिया। आज एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड वीडियो लेक्चर है और जो टॉपिक मैं आज कवर अप कर रही हूँ वो है बैक्टीरिया, स्पेशली फोकसिंग ऑन इट्स सेल स्ट्रक्चर। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग ये पहले जान लेते हैं कि बैक्टीरिया की जनरल फीचर्स क्या होते हैं। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और आर्किया, ये तीनों प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स के जो फीचर्स होते हैं वो निम्नलिखित हैं। दे लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड दैट इज व्हाई देयर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ट्रू न्यूक्लियस में हमेशा एक न्यूक्लियर एनवलप होगा, उसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होगा और जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है वो दोनों डिवाइडेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप। तो ये तीनों चीजें प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं। दे आर डिवॉइड ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज, यानी जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स, ये सब फ्यू एग्जाम्पल्स हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज मतलब ऐसी ऑर्गेनलीज जिसमें दो झिल्लियां होती हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, तो ये सब प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। दे ऑलवेज हैव अ सर्कुलर डीएनए, इनका जो डीएनए होता है वो बिल्कुल गोलाकार होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका डीएनए लीनियर होता है। दे हैव प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए और इसको मैं डिटेल में भी आगे लूंगी वीडियो में। हिस्टोन प्रोटीन्स क्रोमोजोम्स में एबसेंट होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स मोस्टली रेप्लीकेट एसेक्सुअली। ये आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें मैंने स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल उसको दिखाया है और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली कोई भी बैक्टीरियल सेल है उसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं तीन कैटेगरीज में। पहला है इंटरनल स्ट्रक्चर, दूसरा है सेल एनवलप और तीसरा है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, इसमें अपेंडिजेस और कवरिंग्स को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, फिर क्रोमोसोम्स, देन प्लाज्मिड्स, देन राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। सो लेट्स स्टार्ट विद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक मैट्रिक्स है। जेल जेल जो होता है वो विस्कस इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा फ्री फ्लोइंग नहीं होता है। जैसे आप लोग जेली खाते हैं समझ लीजिए उसी तरीके का होता है। और साइटोप्लाज्म में मैं एक्सक्लूड कर दूंगी जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो हम न्यूक्लियोइड में पढ़ेंगे। सो दिस इज अ जेल लाइक मैट्रिक्स जिसमें जेनेटिक मटेरियल इंक्लूड नहीं हो रहा है एंड इट इज प्रेजेंट इन साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और साइटोप्लाज्म में बेसिकली पानी होता है ज्यादातर, मोर देन 70-80% इट कंसिस्ट ऑफ वॉटर। और उस पानी में एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस, ये सब डिजॉल्व होती हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, प्लाज्मिड्स एटसेट्रा। सो दे आर बेसिकली एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्म। जैसे समझिए कोई आप पुडिंग खा रहे हैं और पुडिंग में अगर मैं उसमें कोई ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूं तो बेसिकली जो मैट्रिक्स है वो साइटोप्लाज्म है और जो ड्राई फ्रूट्स है उसको समझ लीजिए कि वो सेल स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एम्बेडेड है साइटोप्लाज्म के बीच में। इट कैरीज आउट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रेप्लिकेशन फॉर द बैक्टीरियल सेल। और जो मेजर कॉन्स्टिट्यूंट्स है मैं फिर से उसको दोहरा देती हूँ, दे आर द प्रोटीन्स विच इंक्लूड एंजाइम्स, vitamins, ions, nucleic acids, amino acids, sugar, carbohydrates, fatty acids और इन तीनों के precursors और derivatives. Now we'll talk about nucleoid. तो जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि nucleoid term हम क्यों use कर रहे हैं, क्योंकि prokaryotes में true nucleus नहीं होती है। So nucleoid is basically primitive nucleus, यानी पुराने जमाने की पुरानी सी न्यूक्लियस होती है, which consists of a region of cytoplasm,
जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्रोमोसोम्स एम्बेडेड होते हैं, तो जहां पे क्रोमोसोमल डीएनए रहता है, जिसको हम हेरिटेबल डीएनए भी कहते हैं. हेरिटेबल डीएनए मींस दिस पर्टिकुलर डीएनए पासेस फ्रॉम वन प्रोजेनी टू अनदर. ये जो डीएनए होता है, ये प्रोकैरियोट्स की खासियत होती है कि वो सर्कुलर इन नेचर होता है और इसका साइज जो होता है लगभग 4000 किलो बेस पेयर का होता है. और ये जो डीएनए होता है, दिस इज डिवॉइड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स व्हिच आर बेसिकली प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. प्लाज्मिड्स की हम बात करें तो प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नॉन हेरिटेबल डीएनए होता है. देखिए, बहुत बार डिफरेंसेस पूछे जाते हैं क्रोमोसोमल डीएनए में और प्लाज्मिड्स में. तो क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है दैट इज ऑलवेज हेरिटेबल इन नेचर. हेरिटेबल मतलब अनुवांशिक तरीके से वो पास होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे. लेकिन जो प्लाज्मिड डीएनए होता है दैट इज ऑलवेज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नॉन हेरिटेबल डीएनए. इसका मतलब दिस इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन और ये रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोम से. एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड्स इन अ बैक्टीरियल सेल, कि एक बैक्टीरियल सेल में कितनी कॉपीज हैं एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड की, उस बेसिस पे हम प्लाज्मिड्स को लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड और हाई कॉपी नंबर प्लाज्मिड की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. सो प्लाज्मिड्स बेसिकली इनके कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल के लिए. ज्यादातर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, कॉन्जुगेशन में ये बहुत हेल्प करते हैं. कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स जो होते हैं ये दे फॉर्म ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एट द सर्फेस कॉल्ड पाइलस, जो कि पास करती है कॉपीज ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया. और इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं. इसके अंदर बैक्टीरिया जो है अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक इंफॉर्मेशन चली जाती है. प्लाज्मिड्स एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस, हैवी मेटल रेजिस्टेंस, विरुलेंस फैक्टर्स, ये सब देते हैं बैक्टीरिया को, जो कि उसके इन्फेक्शन के लिए और सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट होता है इन एनिमल और प्लांट होस्ट्स. एंड दिस एबिलिटी टू इंसर्ट स्पेसिफिक जीन्स इनटू प्लाज्मिड्स, यानी हम प्लाज्मिड को आइसोलेट करके, उसको निकाल करके बैक्टीरियल होस्ट से, उसको काट करके और उसके अंदर अपनी मनपसंद स्पेसिफिक जीन डाल के लाइगेट करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, उसमें हम प्लाज्मिड्स को वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं. नाउ वील कम टू राइबोसोम्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी. सो दिस पर्टिकुलर मशीनरी कंसिस्ट्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन और ये हमेशा साइटोप्लाज्म में रहता है. राइबोसोम्स याद कर लीजिए कि हमेशा साइटोप्लाज्म में रहेंगे, चाहे प्रोकैरियोट्स हों चाहे यूकैरियोट्स हों. प्रोकैरियोट्स में ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये लॉन्ग चेन्स में ग्रुप्ड होते हैं, जिनको हम पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं. राइबोसोम्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में अलग अलग होते हैं साइज में, और इनका जो सेडिमेंटेशन रेट होता है वो भी अलग होता है. नाउ व्हाट इज सेडिमेंटेशन रेट? देखिए, जब भी हम किसी बैक्टीरिया से या किसी भी सेल से जब हम ऑर्गेनेलीज को निकालना शुरू करते हैं, सेपरेट करना शुरू करते हैं, तो हम उनकी जो डेंसिटी होती है उसके बेसिस पर उनको रोटेट करके किसी सेंट्रीफ्यूज में और उसको जमाने की कोशिश करते हैं. तो जिस रेट पर कोई भी ऑर्गेनली सेडिमेंट हो रही है, बैठ जा रही है नीचे, दैट इज नोन एज द सेडिमेंटेशन रेट. तो जितनी भी हेवी ऑर्गेनेलीज होंगी, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये जल्दी बैठ जाएंगी. आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक मोटे आदमी को दौड़ाया है और एक पतले आदमी को दौड़ाया है, तो जो बहुत मोटा आदमी है वो जल्दी थक जाएगा और बैठ जाएगा, जबकि जो पतला आदमी है उसमें ज्यादा एनर्जी रहती है तो वो देर तक भागता रहे. सो डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी, अलग अलग रोटेशंस पे, रेवोल्यूशंस पे, आरपीएम पे, अलग अलग ऑर्गेनेलीज सेटल डाउन कर जाती हैं. नाउ जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं उनका सेडिमेंटेशन रेट होता है 70s, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन रेट होता है 80s. तो हम अभी फोकस करेंगे बैक्टीरियल राइबोसोम्स पे.
बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो होते हैं वो दो पार्ट से बने होते हैं, एक बड़ा पार्ट होता है और एक छोटा पार्ट होता है। बड़े पार्ट का सेडिमेंटेशन रेट होता है 50s और छोटे वाले पार्ट का सेडिमेंटेशन रेट होता है 30s। तो आप देखिए दोनों का जो सम है वो 70s नहीं है, और जो ये सेडिमेंटेशन वेलोसिटी है इसका जो यूनिट है वो स्वेडबर्ग ने दिया था और वहीं से ये एस आया है। तो राइबोसोम्स का बेसिक फंक्शन होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है ज्यादातर बैक्टीरिया में न्यूक्लिक एसिड डीएनए के फॉर्म में होता है, उसकी जो लैंग्वेज है जो कंसिस्ट करती है एडिनोसिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन, इनको वो कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में। और हर अमाइनो एसिड में तीन बेसिस होते हैं, उसी को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। और वो स्पेसिफिक होते हैं कि ये अगर पर्टिकुलर सीक्वेंस आ रही है जेनेटिक कोड की तो दैट विल स्टैंड फॉर दिस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। और जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। एक एक अमाइनो एसिड जुड़ करके पहले पेप्टाइड देन पेप्टोन ये सब बनाता है, और उसके बाद बहुत बड़ा अगर हम इस सीरीज को चलाते चलते जाते हैं तो वो एक प्रोटीन बन जाता है। और प्रोटीन आप सबको पता है कि यही हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो करते हैं, बिकॉज ज्यादातर प्रोटीन्स स्ट्रक्चरल या फिर फंक्शनल होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में आपकी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं जैसे कि एक्टिन मायोसिन ये सब प्रोटीन्स ही होते हैं, और फंक्शनिंग में जितनी एंजाइम्स हैं ज्यादातर जितने हॉर्मोन्स हैं या एंटीबॉडीज हैं ये सब प्रोटीन्स ही होती हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स दे आर नेवर बाउंड टू अदर ऑर्गेनेल्स, जो कि एक केस होता है यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में हम जानते हैं कि राइबोसोम्स आइदर दे आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की आउटर सरफेस पर चिपके होते हैं, और इसी वजह से इस प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम RER कहते हैं, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो डिफरेंस है बैक्टीरियल और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में, इसको साइंटिस्ट ने टारगेट किया और एक अच्छे ड्रग टारगेट की तरह ये एक एक्ट करता है, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो सिर्फ पैथोजेनिक बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम बना सकते हैं और बनाई भी गई हैं, जिसके अंदर हम जो ड्रग है उसको हम ऐसा बनाते हैं कि वो टारगेट करेगा सिर्फ 70S राइबोसोम्स पे ना कि 80S राइबोसोम्स पे। और इसका बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि बाइंड करता है स्पेसिफिकली टू 70S राइबोसोम्स और बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी सेल में कोई भी जो काम होता है वो प्रोटीन करता है, तो अगर प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा तो बेसिक मेटाबॉलिज्म भी खत्म हो जाएगा किसी भी सेल का, और सेल धीरे धीरे मर जाएगा। और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है इट कैन नॉट बाइंड टू 80S राइबोसोम, इसलिए जो अगर होस्ट है, अगर हम ह्यूमन बॉडी में भी दे रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन तो वी ऑल आर यूकैरियोटिक इन नेचर, तो हमारे राइबोसोम्स पे वो बाइंड नहीं करेगा और स्पेसिफिकली बैक्टीरिया जो है पैथोजेनिक इन नेचर है उसी को किल कर देगा। नाउ विल टॉक अबाउट बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स, जिसको हम जीनो 4 भी कहते हैं। सो दिस बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो हमारा बेसिक जेनेटिक मटीरियल है, यानी वो पास हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दिस कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। और ये खासियत है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सर्कुलर डीएनए ही होता है, लीनियर नहीं होता है। और डबल स्ट्रैंडेड में ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं जस्ट लाइक यूकैरियोट्स, यानी एक स्ट्रैंड का अगर 5' to 3' शुरू हो रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड 3' to 5' ऑपोजिट उसमें एंटी पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। और जिस तरह यूकैरियोट्स में डीएनए जो है वो पूरा का पूरा एम्बेडेड होता है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि देयर इज नो न्यूक्लियर एनवेलप। तो एक ऐसा लगता है कि साइटोप्लाज्म में ही एक जगह कहीं जो डीएनए है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड इट इज कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर एरिया इन द साइटोप्लाज्म। और जो बैक्टीरियल डीएनए है वो जितने भी यूनिवर्सल नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, अभी मैंने डिस्कस किया था एडिनिन ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिडिन, इन चारों से मिलकर के बनता है, जिनको हम ए जी सी और टी भी कहते हैं। इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं वो
बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज होती हैं जो कि माइक्रोस्कोप में बिल्कुल ग्रैन्यूल्स की तरह नजर आती हैं, तो हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, या तो ये ग्रैन्यूल्स होती हैं या ये वेसिकल्स होती हैं, और ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होती हैं सेल की और बहुत ज्यादा कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं शो करती हैं। तो ज्यादातर जितनी इन्फ्यूजन बॉडीज होती हैं वो ग्लाइकोजन लिपिड ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स या पिगमेंट्स की बनी होती हैं, और जैसे मैंने अभी आपको बताया दो तरीके की होती हैं, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं दे आर द स्मॉल पार्टिकल्स और लाइट माइक्रोस्कोपी से ये विजिबल होते हैं, और इनका फंक्शन होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स और रिजर्व्स को स्टोर करके रखे साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन लिपिड्स, पॉलीफॉस्फेट्स या फिर किसी किसी केस में गैसेस जैसे कि सल्फर और नाइट्रोजन। किसी किसी बैक्टीरिया में गैस फिल्ड वैक्यूल्स भी होते हैं और ये हेल्प करते हैं फ्लोट करने के लिए, जिससे कि जो वाटर लेवल है, वाटर लेयर्स हैं, वो मूव कर सके ऊपर और नीचे विद डिफरेंट लाइट इंटेंसिटीज एंड न्यूट्रिएंट लेवल्स। इनको हम वेसिकल्स कहते हैं। माइक्रो कंपार्टमेंट्स भी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती है। देखिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैक्टीरियल सेल ऐसा सेल है जिसके अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होगी, लेकिन सिंगल मेम्ब्रेन यानी एक झिल्ली से जो कवर्ड है, ऐसी ऑर्गेनेल्स या ऐसे स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो अभी मैं दो माइक्रो कंपार्टमेंट्स डिस्कस कर रही हूँ। पहला है कार्बोक्सिजोम्स। कार्बोक्सिजोम्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं जो कि कार्बन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और मैग्नेटोजोम, जैसा नाम से पता चल रहा है, ये मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं जिसमें मैग्नेटिक क्रिस्टल्स होता है, और इन क्रिस्टल्स की वजह से ये बैक्टीरिया दे कैन रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो इनकी प्रॉपर्टी है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में यूज करते हैं, अवेल करते हैं। तो ये पहला जो कैटेगरी था हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं और वो है सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप को मैं डिवाइड कर रही हूँ चार अलग अलग पार्ट्स में। पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन पेरिप्लाज्मिक स्पेस, देन सेल वॉल एंड आउटर मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉस्फोलिपिड बायलेयर, यानी कि दो लेयर्स होती हैं फॉस्फोलिपिड की सराउंडिंग द साइटोप्लाज्म। ये एक कवरिंग बना के रखती है साइटोप्लाज्म के बाहर, और ये रेगुलेट करती है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस या मिनरल्स सेल के बाहर जाएंगे या अंदर आएंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों होते हैं, और बेसिकली इसका फंक्शन यही होता है कि ये सराउंड करे, एक प्रोटेक्टिव लेयर दे किसी भी सेल को। और चूंकि ये बहुत ही सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब परमिएबल मतलब अंदर और बाहर जाने की इजाजत देना, और सेलेक्टिवली मतलब कि इट डिसाइड्स कि किसको ये अंदर बाहर जाने देगी और किसको रोक देगी। तो ये कंट्रोल करती है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस अंदर बाहर सेल के जा सकते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस की अगर हम बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में होती है, और सेल वॉल और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में होती है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में दिस इज द स्पेस बिटवीन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल। उसके बाद हम बात करेंगे सेल वॉल की। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो कि बैक्टीरिया सेल को प्रोटेक्ट करती है, और ये एक शेप देती है बैक्टीरियल सेल को, जिसके बेसिस पे हम इनका नॉमनक्लेचर भी करते हैं, नामकरण भी करते हैं, जैसे कि स्फेरिकल, रॉड शेप, स्पाइरल। आप सबको पता है कि अगर कोई भी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है हम उसको बेसिलस कहते हैं, और अगर कॉमा शेप्ड है तो हम उसको विब्रियो कहते हैं, अगर गोलाकार है तो हम उसको कोकाई कहते हैं। और जिन बैक्टीरिया में सेल वॉल नहीं होती है तो उनकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती है, और ऐसे बैक्टीरिया को हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। और ये जो सेल वॉल होती है दिस इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। आप इसको तोड़ लीजिए वर्ड को, पेप्टिडो और ग्लाइकन। पेप्टिडोज आएगा वर्ड प्रोटीन को रिप्रेजेंट करेगा, और जहां पे भी ग्लाइकन वर्ड आएगा इट रिप्रेजेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो बेसिकली इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स विच आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। जो पेप्टिडोग्लाइकन मॉलिक्यूल होता है ये एक स्पेशलिटी होती है बैक्टीरियल सेल वॉल्स की,
और कितने अमाउंट में और किस लोकेशन पे पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में प्रेजेंट है वो डिटरमिन करता है कि वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. सो इट इज बेसिकली अ पॉलीसेकेराइड चेन. पॉलीसेकेराइड मतलब इसको तोड़ दीजिए वर्ड को, पॉली मीन्स बहुत सारे, सेकेराइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट या शुगर. तो बहुत सारी शुगर की चेन्स होती हैं जो कि क्रॉस लिंक्ड होती हैं, बीच बीच में इनकी लिंकिंग होती है पेप्टाइड से जिनमें डी अमाइनो एसिड्स होते हैं. और पेप्टिडोग्लाइकन की जो बैकबोन होती है वो दो डेरिवेटिव्स और ग्लूकोज से मिलकर के बनी होती है, यानी कि ये दो डेरिवेटिव्स अल्टरनेट फॉर्म में लगे होते हैं. पहला है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन जिसको हम कहते हैं नाग, और दूसरा है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जिसको हम कहते हैं नाम. तो ये नाग और नाम दे आर कनेक्टेड बाय इंटरपेप्टाइड ब्रिजेस. और जैसे मैंने आपको बताया था कि इनके अमाउंट और इनकी लोकेशन पे हम डिपेंड करता है कि हम उस बैक्टीरिया को कैटेगराइज करेंगे ग्राम पॉजिटिव में या ग्राम नेगेटिव में. तो थोड़ा सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल्स के बारे में भी जान लेते हैं. ग्राम पॉजिटिव सेल्स जो होते हैं दे पोजेस थिक सेल वॉल, इनमें बहुत ही मोटी सेल वॉल होती है जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं एक के बाद एक लगी हुई पेप्टिडोग्लाइकन की और टेकोइक एसिड की. सो पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है और लगभग 90% जो सेल वॉल है उसको कंप्राइज करता है. जबकि ग्राम नेगेटिव सेल्स में एक रिलेटिवली थिन सेल वॉल होती है और बहुत कम मात्रा में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है क्योंकि इसके अंदर एक सेकेंड लिपिड मेम्ब्रेन होती है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन भी कहते हैं एंड दैट कंसिस्ट्स ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स, यानी इसमें लिपिड्स की मात्रा ज्यादा होती है. तो जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये सिर्फ 5-20% ही कंप्राइज करता है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में और इट इज नॉट द आउटर मोस्ट लेयर. और यही डिफरेंस मैंने आपको पेरिप्लाज्मिक स्पेस में भी बताया था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, क्योंकि इन दोनों के बीच में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में. पर ये जो टर्म आया है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ये कहाँ से आया है? ये टर्म आया है स्टेनिंग के बेसिस पे. जो हम रंग करते हैं किसी भी बैक्टीरियल सेल का तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेनिंग होती है ग्राम स्टेनिंग, जो कि डेवलप की थी क्रिश्चियन ग्राम ने. और इसीलिए एक बात और आप लोग याद रख लीजिए कि जब भी आप ग्राम लिखेंगे तो जी हमेशा कैपिटल होगा, क्योंकि ये ग्राम जो वर्ड है इट इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. तो अगर कोई भी बैक्टीरिया ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम ने जो स्टेन बनाया है उसको ले लेता है, कलर दे देता है तो दैट इज ग्राम पॉजिटिव, और अगर वो कलर नहीं लेता है, काउंटर स्टेन लेता है तो दैट इज ग्राम नेगेटिव. तो इस स्टेनिंग प्रोसेस में बैक्टीरिया को हम सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट एक स्टेन होता है उससे ट्रीट करते हैं, उसके बाद हम उसको फिक्स करते हैं मॉर्डेंट की हेल्प से. सो व्हाट इज अ मॉर्डेंट? मॉर्डेंट इज एनी सॉल्यूशन दैट फिक्सेस द स्टेन इनसाइड द सेल. उसके बाद जितना फिक्स होना होता है वो हो जाता है, उसके बाद हम उसको वॉश कर देते हैं एक डीकलराइजिंग एजेंट से जैसे कि अल्कोहल. तो जिस बैक्टीरिया में ग्राम स्टेन यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन रिटेन करेगा दैट विल बी ग्राम पॉजिटिव, और जिस बैक्टीरिया में से वो कलर निकल जाएगा तो वो कलरलेस हो जाएगा. अब हमें देखना है माइक्रोस्कोप में तो बिना कलर के तो कोई चीज हमें माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगी नहीं, तो इसीलिए उसको हम काउंटर स्टेन करते हैं दूसरे लाइट स्टेन से जो कि लाइट रेड इन कलर होता है, उसको हम सैफ्रनिन कहते हैं. और ये देखिए मैंने आपको बता रखा है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो क्रिस्टल वॉयलेट कलर का दिखाई देगा ग्राम स्टेनिंग के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो पिंक या ऑरेंज दिखाई देता है. और देखिए ग्राम पॉजिटिव में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा आपका पेप्टिडोग्लाइकन होता है तो वो क्रिस्टल वॉयलेट से बाइंड कर जाता है, जबकि पेप्टिडोग्लाइकन बहुत ही कम मात्रा में ग्राम नेगेटिव में होता है और ज्यादातर लिपिड्स होते हैं तो लिपिड्स रिएक्ट नहीं करते हैं ज्यादा क्रिस्टल वॉयलेट से, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा वो स्टेन तो वो भी लेंगे लेकिन जब आप अल्कोहल से वॉश करेंगे, क्योंकि लिपिड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं,
तो जब आप अल्कोहल से वॉश करेंगे तो वो सारा कलर निकल जाएगा। अब मैं कुछ आपको टर्म्स बताऊंगी कि अगर बैक्टीरियल सेल वॉल को हम एंटायरली रिमूव कर देते हैं तो जो पीछे बचता है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, लेकिन अगर हम उसको पार्शियली रिमूव करते हैं, कहीं से रिमूव करते हैं और कहीं से नहीं करते हैं, तो जो आपका आपको जो बैक्टीरियल सेल मिलेगा उसको हम स्फेरोप्लास्ट कहते हैं। बच्चों ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट इज अ प्रोटोप्लास्ट, व्हाट इज अ स्फेरोप्लास्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड स्फेरोप्लास्ट, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड स्फेरोप्लास्ट। उसके बाद जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, दे इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन क्रॉस लिंक्स इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, और इसी तरह से एक एंजाइम होती है जो लाइसोजाइम जिसका नाम है, और वो ह्यूमन टीयर्स में प्रेजेंट होती है, आप लोगों के आंसुओं से वो प्योरीफाई की जाती है, आइसोलेट की जाती है। इट हैज द प्रॉपर्टी टू डाइजेस्ट द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, और इसीलिए ये बॉडी का मेन डिफेंस है अगेंस्ट द आई इन्फेक्शन। आपकी आंख में कुछ भी गिर जाता है तो सबसे पहले आपकी आंखों में पानी आता है या आंसू आते हैं, तो उन टीयर्स में जो लाइसोजाइम होता है दैट किल्स मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे आउटर मेम्ब्रेन की। आउटर मेम्ब्रेन जो है ये सिमिलर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लेकिन ये थोड़ी कम परमिएबल होती है। इसमें कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं या छेद होते हैं जिनको हम पोरेंस कहते हैं। पोरेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लॉक कर देते हैं हार्मफुल केमिकल्स और एंटीबायोटिक्स को फ्रॉम एंटरिंग द बैक्टीरियल सेल, और इसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है दे आर मच मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ही स्पेशलिटी होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपोपॉलीसेक्राइड्स जिसको हम LPS भी कहते हैं, और LPS एक एंडोटॉक्सिन होता है। एंडोटॉक्सिन मतलब अंदर बन रहा है और टॉक्सिक इन नेचर है, तो ये जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं ये कंप्राइज करते हैं पॉलीसेक्राइड्स यानी कि बहुत सारे शुगर्स और लिपिड ए, और ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो पॉलीसेक्राइड्स और लिपिड ए है, तो स्पेशली लिपिड ए दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और इसीलिए बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ज्यादातर ग्राम नेगेटिव इन नेचर होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है स्ट्रक्चर्स में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में, ये डिफरेंस क्रिएट करता है एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी में। जैसे कि वैनकोमाइसिन जो है ये एक एंटीबायोटिक है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल कर सकती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि स्यूडोमोनास ओरिजिनोसा इस पे वर्क नहीं करती है। एंड नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड कैटेगरी विच इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, और ये कंप्राइज करेगा फ्लैजिला, पिली, फिम्ब्री और कैप्स्यूल या स्लाइम लेयर को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फ्लैजिला। अगर एक ही फ्लैजिला किसी बैक्टीरिया पे है तो हम उसको फ्लैजिलम कहते हैं, और ये लॉन्ग विप लाइक सेमी रिजिड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये सेलुलर लोकोमोशन में, मूवमेंट में ये हेल्प करती है फ्लैजिला, और ज्यादातर ये फंक्शन करते हैं जैसे शिप पे प्रोपेलर जो है वो घूमता रहता है और नीचे से वो कनेक्टेड होता है, उस तरीके से ये एक फंक्शन इनका होता है। दे आर अबाउट 20 नैनोमीटर इन डायमीटर और ज्यादातर 20 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है, और डायमीटर जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम का है वो 1/10 होता है यूकैरियोटिक फ्लैजिलम से, तो ये डिफरेंस होता है। और बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होती है वो 9+2 का रूल फॉलो नहीं करती है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला फॉलो करती है, और जो फ्लैजिला की जो एनर्जी होती है दैट इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ आयंस डाउन एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये फ्लैजिलन प्रोटीन से बना होता है, और ईच फ्लैजिलम इज अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन, जुड़ना जिसमें आपको बताया एक पकड़ने के लिए कुछ होता है नीचे, तो वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, और वो प्रोटीन जो होता है दैट इज नॉट फ्लैजिलम। तो इसका जो कॉम्पोजिशन है फ्लैजिला का, उसमें एक बेसल रीजन होता है जिसमें हुक जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसी की हेल्प से फ्लैजिला जो है वो सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, और इसकी कॉम्प्लेक्स बेसल बॉडी होती है। कॉम्प्लेक्स बेसल बॉडी में एक सेंट्रल रॉड या शाफ्ट होता है विच इज सराउंडेड बाय अ सेट ऑफ रिंग्स।
एंड नाउ वी विल डिस्कस कि फ्लैजिला के बेसिस पर कि कितनी फ्लैजिला है बैक्टीरिया में और कहाँ कहाँ पे स्थित है, उस बेसिस पर हम बैक्टीरिया को चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मोनोट्राइकस, इसका मतलब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इस सेल में एक पोल पे एक फ्लैजिला है। दूसरा है लोफोट्राइकस, जिसमें क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला है किसी एक पोल पे। तीसरा है एम्फीट्राइकस, जिसमें जो ऑपोजिट एंड्स हैं उसमें दोनों तरफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। और चौथा है पेरीट्राइकस, पेरी मीन्स चारों तरफ, तो इसमें फ्लैजिला जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ओवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल। एंड नाउ वील डिस्कस फिम्ब्री एंड पिल्ली। कई साइंटिस्ट फिम्ब्री और पिल्ली को सिनोनिमसली यूज करते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि ये एक ही है, लेकिन अब माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब हमने बहुत रिसर्च की तो ये पाया कि नहीं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो फिम्ब्री आर बेसिकली शॉर्ट फाइबर्स जो कि बैक्टीरियल सर्फेस पे प्रेजेंट होते हैं, और जिस प्रोटीन से ये बने होते हैं उनका नाम होता है फिम्ब्रिलिन। जबकि जो पिल्ली होते हैं ये थोड़े से लॉन्ग होते हैं, फिम्ब्री से थोड़े से बड़े होते हैं, और ट्यूब्यूलर माइक्रोफाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ बैक्टीरिया। और जिस प्रोटीन से ये बने होते हैं उसका नाम होता है पिलिन प्रोटीन। फिम्ब्री जो होती है दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जबकि पिल्ली जो होती है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होती है। लेकिन इन दोनों का फंक्शन होता है कि दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन अटैचमेंट टू सॉलिड सर्फेसेस, यानी ये बैक्टीरिया को सॉलिड सर्फेस पे अटैच करने में मदद करते हैं, और बहुत सारे केसेस में बैक्टीरिया को उनका विरुलेंस फैक्टर देते हैं, यानी उनकी पैथोजेनिसिटी में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और लास्टली अब हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स को, जो कि पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है और सेलुलर सरफेस ऑफ बैक्टीरिया पे ही प्रेजेंट होता है। और ये भी खासियत है सिर्फ बैक्टीरियल सेल की, ये बैक्टीरियल सेल वॉल के भी बाहर एक कवरिंग बनाता है। और ग्लाइकोकैलिक्स दो तरीके का होता है, अगर ये एक डिस्टिंक्ट जिलेटिनस ग्लाइकोकैलिक्स है तो हम इसको कैप्स्यूल बोलते हैं, और अगर ये इररेगुलर और डिफ्यूज्ड लेयर है तो हम उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। और ये जो कोट है ये बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होता है, और दिस इज बेसिकली स्टेन्ड विद रुदीनियम रेड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कितने तरीके ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं, कैप्सूल क्या होती है, स्लाइम लेयर क्या होती है, और कौन सी ऐसी स्टेन है जो पर्टिकुलरली ग्लाइकोकैलिक्स को स्टेन करने में यूज होती है। और बेसिकली इसका फंक्शन होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर है तो प्रोटेक्शन, और जितने भी होस्ट के सर्फेसेस हैं उनसे अटैचमेंट, और बायोफिल्म एक बना लेता है ये अपने चारों तरफ, बैक्टीरिया के चारों तरफ, जो कि इसको हेल्प करता है कि जितने हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं यानी यूकैरियोटिक इम्यून सेल्स हैं वो एक प्रॉपर्टी शो करते हैं फेगोसाइटोसिस की। फेगोसाइटोसिस मतलब होता है कि अगर आप किसी सॉलिड सेल को एनगल्फ कर रहे हैं और उसको खा जा रहे हैं, तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है इट हेल्प्स बैक्टीरिया टू एस्केप फ्रॉम द इम्यून सेल्स सो दैट दे आर नॉट एबल टू फेगोसाइटाइज बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया जो है ये बीमारी पैदा करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है अगर आप उसको चकमा दे देते हैं या आप उसे एस्केप कर जाते हैं तो आप अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे होस्ट सेल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज मैंने बहुत डिटेल में कोशिश की है कि जो बैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर है उसको अलग अलग भागों में कैटेगराइज करके एंड देन वन बाय वन मैंने एक एक स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आपको मेरे इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।